बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अफजाल अरशद आपके साथ कौन फूड्स पे। आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त का अचार। मेरे पास इधर मटन है, उसका हम अचार बनाएंगे। बड़ी यूनिक रेसिपी है, मोस्टली लोगों को शायद इसका पता भी ना हो कि गोश्त का भी अचार बनता है। तो क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि हमें गोश्त स्टोर नहीं करना पड़ता, हमें ताज़ा मिल जाता है। तो स्टोर करने वाले जितने भी तरीके हैं वो सारे अब नापैद हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन कुछ इलाकों में, जैसे ठंडे इलाके हैं या कश्मीर साइड पर आप जाएँ, तो वहाँ पर अभी भी गोश्त को सुखाना या गोश्त का अचार बनाना ये बहुत कॉमन है। या हमारे इलाकों के अंदर जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इकट्ठा गोश्त आता है तो उसको सुखाया जाता है, तो वो अभी वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं थोड़ी बहुत। तो मेरे पास इधर आधा किलो बोनलेस मटन है, आप बीफ़ का भी बना सकते हैं, तरीका दोनों का सेम रहेगा। सबसे पहले करना ये है कि इस गोश्त को हल्दी और नमक लगाना है। ये मेरे पास इधर आधा टीस्पून नमक है और आधा टीस्पून ही हल्दी है। तो ये इसके अंदर डाल के इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। अब क्या करना है कि इसको आपने एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना। इसको खुला भी पकाया जा सकता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। इसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी, ना ही इसके अंदर पानी जाएगा इस पॉइंट पे, ना ही इसके अंदर आपने कुछ डालना है, क्योंकि पानी हमने सुखाना है। अगर आप पानी डालेंगे इस पॉइंट पे, तो पानी तो आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। अचार का मतलब है कि उसके अंदर जितना भी पानी हो गोश्त के अंदर, वो खुश्क किया जाएगा, फिर उसको मसाले लगाए जाएंगे। तो इसको हम इसी तरह पकाएंगे, हल्की आंच पे पकाएं प्रेशर कुकर में, तो पानी ये खुद ही छोड़ देगा, बाद अज़ा उस पानी को भी हम खुश्क कर लेंगे। तकरीबन जी 10 मिनट इसको मैंने पकाया है। अब इसका ढक्कन खोल देते हैं स्टीम निकलने के बाद। पानी हमने शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसके अंदर हल्का फुल्का पानी जो गोश्त ने अपना छोड़ा है, जो यखनी है, नमक हमने लगाया था उस वजह से। ये देखें जी, हाथ से इस तरह टूटना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गला ना हो गया, इसके तने टूटें, इतना आपका गोश्त होना चाहिए। इसको आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन के अंदर डाल लें, क्योंकि इसका हमने मज़ीद पानी खुश करना है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह इसका पानी ड्राई हो जाए। बाकी जो इसकी यखनी है उसको आपने वेस्ट नहीं करना, उसको इसी के साथ सुखाना है ताकि उसका पूरा फ्लेवर इसी के अंदर रहे। ये मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट है, 1 टीस्पून आपने वो डालनी है, और इसको जो है इधर अब इसका पानी खुश कर लेना है, और इस अदरक और लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा पका लेना। ये देखिए गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, तो अब इसको जलाए बगैर इसके अंदर आपने ऑयल डालना है। मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ सरसों का तेल, जो कि ऑलरेडी टेम्पर्ड है, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर तकरीबन आपने 1/4 कप ऑयल डाल देना। इस गोश्त को इस सरसों के तेल के साथ हमने पकाना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह ये खुश्क हो जाए। क्योंकि अचार के अंदर अगर पानी रहेगा तो वो आपका अचार 6 दिन भी नहीं निकालेगा। तो जी, हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब ये जो इसकी यखनी है वो इसके नीचे लगी हुई है, अदरक लहसुन थोड़ा बहुत नीचे लगा हुआ है, तो उसका कोई इशू नहीं है। हम इसी पैन को आगे यूज़ करेंगे, ताकि जो फ्लेवर्स हैं इसके सारे वो इसी के अंदर रहें। इस गोश्त को हमने अभी बाहर निकाल लेना फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये रेडी है बिल्कुल। अब इसके अंदर थोड़ा सा और ऑयल डाल लें, अदरक और लहसुन है, 1 पोथी लहसुन की ले लें, और थोड़ा सा 1 इंच के करीब अदरक ले लें, उसको जो है आपने इसके अंदर डालना है। तो इसको थोड़ा सा पकाते हैं 3-4 मिनट के लिए हल्की आंच पे। लहसुन और अदरक जब इस तरह हल्का हल्का इसके ऊपर गोल्डन कलर आने लगे, तो आपने 4 से 5 लाल मिर्चें जो हैं साबुत इसके अंदर डाल देनी है, और आग कर देनी है बंद, क्योंकि आग तेज़ रहेगी तो ये जल जाएंगी मिर्चें, और बाकी जो मसाले इसके अंदर हम डालने वाले हैं वो भी जल जाएंगे। इसके अंदर धनिया शामिल करना है 1 टीस्पून, ये डाल दें। ज़ीरा शामिल करना है 1 टीस्पून भर के, ये डाल दें। इधर मेरे पास आधा टीस्पून काली मिर्चें हैं, आधा टीस्पून राई दाना है, आधा टीस्पून मेथी दाना है, आधा टीस्पून कलौंजी है, और सौंफ है। ये वो मसाले हैं जो कि अक्सर अचार में डाले जाते हैं, साथ में करी पत्ता है सूखा हुआ, अगर आपको ताज़ा मिले तो आप वो भी डाल लें, 1 टीस्पून करी पत्ता। तो ये इसके अंदर सारे मसाले हम डाल देंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च है, आधा टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है, और आधा टीस्पून हल्दी है, ये इसके अंदर डाल दें। नमक जो है वो हम पहले डाल चुके हैं, अगर आपने ज़्यादा नमक आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, वरना इतना नमक उसके अंदर काफ़ी है। अब इस मसाले को इसी पैन के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसी ऑयल के अंदर ये टोस्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब इसके अंदर ये जो गोश्त हमने तैयार करके रखा हुआ है ये डाल दें। अब गोश्त शामिल करके इसके अंदर एक आखिरी चीज़ है जो हम शामिल करेंगे, इधर मेरे पास नींबू का रस है, जो कि मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ। आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं, ये सिर्फ इस अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए। तो इसको अब थोड़ा सा पकाना भी है, ऐसा नहीं है कि इसको डाल के आपने छोड़ देना है। तो इसके नीचे मैंने थोड़ी सी आग जलाई है हल्की सी, तो ये नींबू का रस डाल के इसको आपने 2 मिनट के लिए इधर स्टिर फ्राई करना है,
और आपका जो अचार है वो बेहतरीन तैयार है, इसको आप जार्स के अंदर डाल सकते हैं। तो इसको मैं 2 मिनट पका के निकालता हूँ ऊपर से। तो जी हमारा अचार तैयार है, इसको इधर मैं टेस्ट करके चेक करता हूँ। थोड़ा सा ज़बरदस्त फ्लेवर है वैसे तो इसका, या आप बनाते हैं तो आपको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब अचार वाली फील तो आ ही रही है, लेकिन गोश्त का जो जायका है वो ज़बरदस्त है। और इसकी लाइफ जो है, इसको आप बना के अगर अच्छे तरीके से रखते हैं, पानी इसका अच्छी तरह खुश करते हैं, इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं, फिर स्टोर अच्छी तरह करते हैं ग्लास जार के अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, और पानी इसके करीब ना जाए, तो आप इसको 6 माह से ज़्यादा भी रख सकते हैं और इसी तरह इसका बेहतरीन फ्लेवर आएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसको हम इस जार के अंदर डालेंगे और इसका तेल पूरा करेंगे, क्योंकि अगर तेल कम होगा तो फिर भी इसके ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये सारा मसाला, ये देखें किस तरह बेहतरीन मसाला है, इसको जो है इस जार के अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो जी ये देखें कि अचार हमारा बेहतरीन तैयार है। इसको एक दिन लग जाता है तैयार होते होते, तो एक दिन इसको इसी तरह पड़ा रहने दें, लेकिन ठंडा हो जाए तो फ्रिज के अंदर आपने रख देना है। तो फ्रिज के अंदर 6 माह भी पड़ा रहे और इसके करीब पानी वगैरह आप ना लेके जाएं, साफ़ चमचे से निकालें, तो बेहतरीन ये चल जाएगा। तो इसको जो है आप बंद करते हैं इधर और इसको रखेंगे इंशाल्लाह फ्रिज में। और ये जो है अभी भी इसका जो फ्लेवर है वो इस तरह है कि बंदा ये सारे का सारा अभी अकेला ही खा जाए। इसको आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसका जो मसाला है ये भी 1-2 दिन के अंदर नरम होकर तैयार हो जाएगा बिल्कुल। मिर्चें जो हैं इसके अंदर वो बड़ा अच्छा फ्लेवर लेके आएंगी, इसी तरह लहसुन है। तो इसको जो है आप रोटी के साथ खाएं या चम्मच से या वैसे ही इसको एंजॉय करें, बड़ा अच्छा फ्लेवर है। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।